हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का जो विविध प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में, 5 से 10 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, उसका ये 9वां पार्ट है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं, जो TGT PGT GIC प्रवक्ता परीक्षा सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, अर्थशास्त्री में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत किसने दिया था। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत पूछ रहा है किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जमशेद काई खुसरो मेहता ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर जेके मेहता भी इनको कहीं कहीं दे देता है, जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता भी ऑप्शन में दे देता है। उनका पूरा नाम जमशेद काई खुसरो मेहता था। ठीक है, भारतीय परिवेश से संबंधित अर्थशास्त्र की इन्होंने परिभाषा दिया था और इन्होंने कहा था, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था या इच्छा विहीनता की स्थिति तक पहुंचने में साधन के रूप में अध्ययन करता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003-04 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर क्या थी। समृद्धि दर क्या थी 2003-04 में। पुराना क्वेश्चन है, फिर भी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 8.5% थी। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि 2019-20 की समृद्धि दर क्या थी, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। GDP की वृद्धि दर की स्थिति ही क्या कहलाती है, समृद्धि दर कहलाती है। उसी समृद्धि दर को आपको बताना है 2019 और 20 का क्या था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, तो कालडार ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यय कर वह कर है जो एक व्यक्ति को आय के स्थान पर उसके व्यय के आधार पर लगाया जाता है और आधुनिक काल में जो है कालडार का विश्वास है कि आय कर की तुलना में व्यय कर अधिक सुदृढ़ है। यह ऐसे व्यक्तियों के जो बड़े होटलों में ठहरने, भोजन, शराब आदि मदों पर किए गए खर्च पर लगाया जाता है। तो ये सुझाव दिया था कालडार ने, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, धन के बहिर्गमन या बोले तो आर्थिक दोहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी रमेश चंद्र जैसे इतिहासकारों के अनुसार जो है अंग्रेजी शासनकाल में आर्थिक गतिहीनता का प्रमुख कारण जो है ब्रिटिश शासकों की नीति थी और ब्रिटिश शासकों ने जो है जानबूझकर यहां से इकट्ठी की गई दौलत का इंग्लैंड को निर्यात किया, जिससे यहाँ के जो है परंपरागत उद्योगों का पतन हो गया, नई उद्योगों का विकास नहीं हुआ और लोगों को किसी पर जो है निर्भर रहना पड़ा। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर क्या है। सेवा कर की दर क्या है वर्तमान समय में, तो वो है 10%। ठीक है, अब बढ़ा दिया गया है, अब ये इसका डाटा, ये पुराना डाटा हो चुका है, नया डाटा देख लीजिएगा आप लोग, तो 12 से 14% तक हो गया है। ठीक है, वर्तमान में जो है 12 से 14% हो गया है, इसको आप लोग अपडेट हो लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय के लिए सही है। तो बी ऑप्शन देखिए आप लोग, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। इसमें जो है नर्स ड्यूज नेबरी ने कहा था कि प्रदर्शन भाव के विचार से सहमति व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार ये माना गया था कि अल्प विकसित देशों के जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले संपन्न वर्गों का उपभोग व्यवहार जो है वो पश्चिमी देशों के उपभोग व्यवहार से काफ़ी प्रभावित होता है, इससे उसकी जो है उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है और पूंजी संचयन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्प विकसित देशों में जो है निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय के लिए जो सही
मान होगा, सही कोटेशन होगा, तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं, तो मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसी को कह सकते हैं मुक्त व्यापार। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति से तात्पर्य ऐसी नीति से है जिसके अंतर्गत न कोई प्रशुल्क हो एवं मात्रात्मक नियंत्रण होते हैं और न ही कोई ऐसी युक्तियाँ होती हैं जो देश के बीच वस्तुओं के आने जाने में रुकावट डालें। वही क्या होता है, मुक्त व्यापार होता है। तो बी ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, जहाँ बिना नियंत्रण के व्यापार होता है उसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी, तो वह कौन सी स्थिति होगी, तो प्रचंड बेरोजगारी की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, आर्थर लुईस के अनुसार जो है घने बसे हुए कृषि प्रधान देशों में खेती संबंधी इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हैं कि वहाँ पर कृषि के जितने लोग हुए हैं उन सभी का उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए इस व्यवसाय में लगा रहना आवश्यक नहीं है। यदि कुछ लोगों को खेती से हटा देने पर उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, इसलिए उनके श्रम को प्रचंड श्रम कहा जाता है। ठीक है, यही श्रम जिसकी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में जो है सीमांत उत्पादकता शून्य ऋणात्मक होती है, प्रचंड बेरोजगार उसको मान लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लारेंज वक्र माप है, तो लारेंज वक्र माप है कैसा माप है, तो ये विषमता का माप है। ठीक है, लारेंज वक्र कैसे बनता है आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये है आपका लारेंज वक्र। ठीक है, ओरिजिन हो गया, यहाँ पे नाम दे दीजिए, और यहाँ पे जो है आय प्राप्तकर्ताओं का संचयी परसेंट हो जाता है, यहाँ पर कुल आय का जो है संचयी, कुल आय का संचयी परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, और टोटल ये 100% पे ये डिवाइड होता है। ठीक है, और ये इसको कहते हैं, ये ऊपरी भाग को कहा जाता है निरपेक्ष समता रेखा, और इसी को क्या कहा जाता है, लारेंज वक्र। ठीक है, लारेंज वक्र इससे क्या मापा जाता है, तो इससे जो है विषमता मापी जाती है। ठीक है, गरीबी को दो रूपे में देखा जाता है, सापेक्ष गरीबी तथा निरपेक्ष गरीबी। गरीबी नापने के संबंध में दो विधियों का प्रयोग में आती हैं, एक लारेंज विधि है। ठीक है, एक तो लारेंज विधि है और एक गिनी गुणांक है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, गिनी गुणांक है दूसरा। ये दो विधियाँ ऐसी हैं जिससे गरीबी की माप की जाती है। और निरपेक्ष समता रेखा जो होता है, ये निरपेक्ष समता रेखा जो होता है एक मानक या काल्पनिक रेखा है, वास्तविक आंकड़ों पर आधारित जो है ये लारेंज वक्र इस समता रेखा से जितना दूर होगा विषमता उतनी अधिक होगी, और जितनी पास होगी विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों को याद रखिएगा, गिनी गुणांक और लारेंज वक्र, ये दोनों ही जो है गरीबी मापने का एक मापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैकब वाइनर के अनुसार विकास का एक सूचक है, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास मानने वाले अर्थशास्त्रियों में बेंजामिन हिगिंस है, हार्वे लिबेस्टीन है, डब्ल्यू आर्थर लुईस है, विलियमसन है और जैकब वाइनर, ये सभी जो हैं प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय को जो है एक विकास का सूचक मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो तीन नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा, एक तो जैकब वाइरन हो गए और बेंजामिन हिगिंस हुए, हार्वे लिबेस्टीन हुए, आर्थर लुईस हुए, विलियमसन है। ठीक है, ये सभी हैं, तो कोई भी नाम आपको दे सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सामान्यतः क्या होता है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का अंश सामान्यतः बढ़ता है और कृषि का अंश जो होता है वो कम होता है। अगर यहीं पर कृषि पूछ ले तो कृषि का जो होता है वो घटता है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान कैसा होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, और यहाँ पे कृषि हो जाए तो ये घटता है। ठीक है, कंटिन्यू दो प्रश्न हो गए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है? हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है? तो ये है राजकृष्णा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी तो बार कई बार पूछा है। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1980 से जो है पूर्व राष्ट्रीय आय की लगातार प्राप्त होने वाली 3 से लेकर के 3.5% के बीच की अल्प वृद्धि दर को जो है हिंदुओं की विकास के प्रति निराशाजनक मनोवृत्तियों की तुलना करते हुए जो है हिंदू समृद्धि दर कहा था, किस वर्ष को? 1980 को, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक के एक माप है, तो अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं गिनी गुणांक और लारेंज वाला किससे संबंधित है? गरीबी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देश में आय वितरण की समानता, देश की आय वितरण की समानता ही तो होती है गिनी गुणांक की एक माप। सापेक्ष गरीबी की माप की विधि जो है गिनी गुणांक है, जिसमें आय के वितरण की विषमता का आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप है। यदि गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 रुपया है, 1 के बराबर है हो, तो उस समय जो है निरपेक्ष विषमता होगी। यदि गिनी गुणांक का न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर हो, तो निरपेक्ष जो है क्षमता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है, असंगठित मुद्रा बाजार का अंग कौन सा है? तो वो है साहूकार, ठीक है। भारतीय मुद्रा बाजार को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पहला संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार। तो संगठित में कौन कौन आ जाते हैं? रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक। और असंगठित में कौन आ जाता है? देसी वर्कर्स, जिन्हें पंजाब में महाजन कहते हैं, उत्तर प्रदेश में साहूकार कहते हैं, मारवाड़ सेठ, मद्रास में जो है चेट्टी कहते हैं, ग्रामीण में साहूकार कहते हैं, ठीक है। तो ये असंगठित में हो जाता है, और संगठित में जो होता है वो रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। तो ए में आपका 3 सही हो जाएगा। और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1955 में किया गया था, तो बी में 2 ही सही हो जाएगा, ठीक है। और आयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुआ था, तो सी में आपका 1 हो जाएगा। तो 3-2-1 इसमें है, देख सकते हैं 3-2-1 ए में ही है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धनी देश है जहाँ निर्धन निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुर मात्रा है किंतु उनका समुचित उपयोग नहीं किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक साधन किसी भी देश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि के सूचक होते हैं। उत्तम प्राकृतिक साधनों से तात्पर्य पर्याप्त उपजाऊ भूमि, उत्तम जलवायु, सदावाहिनी नदियाँ, वन संपदा, खनिज पदार्थ, ये सभी जो भारत में उपलब्ध है, लेकिन उसका समुचित उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या है, हम निर्धन हैं, धनी होते हुए भी निर्धन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी, जिसको कहते हैं IFCI, इसकी स्थापना हुआ था 1948 में, तो ए में आपका हो जाएगा 4। और भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1955 में, ठीक है, तो बी में आपका हो जाएगा 3। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1964 में हुआ था, ठीक है, तो सी में हो जाएगा 2। और भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में, तो डी में आपका हो जाएगा 1। तो 4-3-2-1 कौन सा कोड सही हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन नंबर 1-4-3-2-1, ठीक है। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सिंगल में भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे भी 2 सूची दिया गया है, आपको मिलान करना है। आयात अधिकार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1975-76 में, ठीक है, 1975-76 में, ए में 2 आपका सही हो जाएगा। आयात निर्यात पासबुक की स्थापना कब, योजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में, ठीक है, तो बी में आपका 1 हो जाएगा। स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र कब शुरुआत हुआ था? तो ये 1999-2000 में, ठीक है, तो सी में 4 हो जाएगा। और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना ये जो है 2000 में लागू हुआ था, ठीक है, तो डी में आपका 3 हो जाएगा। 2-1-4-3 किस में है? 2-1-4-3, तो ए कूट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद रियल जीएनपी बढ़ेगा कब यदि कीमतें गिर रही हों। यदि कीमतें गिर रही हों तब जो है रियल जीएनपी जो होता है वो बढ़ेगा। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो रियल जीएनपी बढ़ेगा यदि कीमतें गिर रही हों, और वास्तविक जीएनपी बराबर क्या होता है, मौद्रिक, ठीक है, मौद्रिक जीएनपी बटे क्या होता है कीमत स्तर, ठीक है, कीमत स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी याद रखिएगा, फार्मूला भी पूछा गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। भारत में किस कर से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, तो परोक्ष कर से, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये उस समय जो प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तो परोक्ष कर था। अगर वर्तमान में पूछता है इस समय, ठीक है, तो इस समय भारत में जो सर्वाधिक आय प्राप्त होती है वो राजस्व कर से, ठीक है, राजस्व कर से होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अपडेट भी हो लीजिएगा। और राजस्व में जो है प्रत्यक्ष कर का हिस्सा जो है 54% है, और वहीं पर परोक्ष कर का योगदान जो है वो 46% है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो राजस्व कर से जो है सर्वाधिक आय प्राप्त होती है भारत को, ठीक है। तो उस समय जो जब प्रश्न पूछा गया था, या तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो परोक्ष कर भी आंसर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर राजस्व कर रहता है तो राजस्व कर इस समय वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दो सूची दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस ये कैसी पार्टी है, किसकी पार्टी है, तो ये कांग्रेस की है, ठीक है। तो ए में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये किसकी है, तो ये है आपका सीपीआई का, ठीक है, सीपीआई का है। तो बी में आपका 4 हो जाएगा। और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ये किसकी है, तो सीपीआईएम की है, ठीक है, सीपीआईएम की है। तो सी में 1 हो जाएगा। और भारतीय मजदूर संघ ये किसकी पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी की यानी बीजेपी की है। तो डी में आपका 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 किस में है, 3, 4, 1, 2 आपका डी में है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इन चारों को भी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।